Hello kids, in this video we will learn vowel words of letter A. Okay, yani ki is video mein hum seekhne wale hain sound words of A, yani A letter se banne wale words. Okay, so students dekho yahan pe step 1 mein kal aapko maine bataya tha letter sounds ke bare mein. Okay, yahan pe dekho sare letters likhe hue hain A to Z. Okay, और यहाँ पे सारे लेटर्स का साउंड लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये वाला जो वर्क है अगर किसी बच्चे ने नहीं किया है तो ये वाला वर्क उनको करना है. ओके, तो ये आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा. ओके, सो एक बार मैं फिर भी रिवाइज करा देता हूँ. जैसे ए जो लेटर होता है उसकी साउंड होती है ए, ए ए भी होती है, ए फॉर एप्पल होता है और अ भी होती है इसकी साउंड. ओके, बी की साउंड ब, सी की क, टी की साउंड ड, ई की ए, टी की एफ है सॉरी है फ, और जी की ग, एच की साउंड ह, आई की साउंड ई और जे की ज, के की साउंड क, एल की साउंड ल, एम की साउंड म, एन की साउंड न, ओ की साउंड ओ, पी की साउंड प, क्यू की साउंड क्वा, आर की साउंड रा और एस की साउंड होती है स, और टी की साउंड ट और यू की साउंड अ और उ, ये दोनों होती हैं. वी की साउंड व, डब्ल्यू की साउंड होती है वॉ, डब्ल्यू फॉर वॉच होती है ना, तो देखो वॉ वॉ आता है इसमें लेटर तो वॉ होगी. एक्स की साउंड क्स, क्स और वाई की साउंड या और जेड की साउंड ज, तो इस तरह से ये साउंड्स होती हैं. ओके, चल तो आज के लिए क्या वर्क है तो इसको समझना है आपको. ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 2, वोवल वर्ड्स ऑफ ए, यानी कि जो हमारा लेटर ए होता है, ए जो लेटर होता है उसकी जो साउंड्स होती हैं वो अलग अलग तरह की साउंड्स होती हैं ए लेटर की भी, तो उनसे वाले जो उनसे बनने वाले जो वर्ड्स हैं उनको हम इसमें देखने वाले हैं. ठीक है, जैसे देखो यहाँ ए की साउंड आएगी आ. ठीक है, क्या आएगी आ, तो जैसे सी ए आर तो क्या हो गया कार, क्या हो गया कार. ए जो है ए की मात्रा यानी ए की साउंड होती है आ, तो आ की मात्रा डंडा यानी ये आपको लगाना है. सी की साउंड हो गई क और ए आ रहा है तो क्या हो गया कार, कार. डब्ल्यू ए आर क्या हो गया, डब्ल्यू की साउंड वाह होती है तो वार. एफ की साउंड फा होती है तो फार. जे की साउंड जा होती है तो जे ए आर जार. तो इस तरह से ये जो वर्ड्स हैं ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं, इनको रीड करना है लाउडली और इस तरह से ये लिखना है आपको. ठीक है, ये सारे वर्ड्स, तो ये वाला वर्क हो जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ए की साउंड होती है ओ. ए की साउंड क्या निकलेगी यहाँ पे ओ, तो यहाँ देखो क्या लिख रहा है ए डबल एल क्या हो गया ऑल, क्या हो गया ऑल. ऐसे ही डब्ल्यू ए डबल एल क्या हो गया वॉल, क्या हो गया वॉल. सी ए डबल एल कॉल, बी ए डबल एल बॉल. सो अगर पेरेंट्स भी इसको देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ड्रिल है ये बच्चों को कराइएगा आप होमवर्क में, उनको लिखवाइए और जो जो मैंने वर्ड्स दिए हैं इनको रिपीट करवाइए. तो इस तरह के और भी हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं जब बच्चा बोलना पढ़ना सीख जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली इंग्लिश पढ़ने में आसानी होगी और वो इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देगा. देखो जब तक बच्चों को इंग्लिश रीडिंग नहीं आएगी तब तक हम बुक स्टार्ट कैसे कर सकते हैं बच्चे की, राइट. तो बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, तो कुछ ही दिनों के मात्र 15 डेज़ की आप प्रैक्टिस मान लीजिए, 15 डेज़ में जो है बच्चे को इंग्लिश जो है रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी. ओके, सो ये वर्क है, मैं आपको ये भेज दूँगा. ओके, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो टेक केयर.